वेलकम बैक। दिस लेक्चर इज़ पावर्ड बाय BRCM बहेल हरियाणा। यहाँ पे आपकी रिटेनिंग वॉल है, डॉटेड मैंने शो कर दिया, ये एक्स है, स्ट्रेट में आपका वाई है। काफ़ी टाइम लगता है ड्राइंग को सीखने में, ये हार्ड टफ ड्राइंग्स हैं, इससे इजी ड्राइंग्स भी मेरे पास हैं, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। तो सबसे पहले यही लेके चलते हैं ताकि आपको ईजी ड्राइंग्स आसानी से ही आ जाएँ। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप देख सकते हैं डॉटेड जो बार है उसकी स्पेसिंग कम है, हमें ड्राइंग के अंदर ही शो कर रही है एज़ कम्पेयर टू लोअर मैश। इसके अंदर 29 है, 29 यहाँ पे दे रखा है, वाई 16 यानी 16 mm का स्टील, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब यहाँ पर क्या है, जो आपका वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में है स्टील 29 का, उसकी सेम मेजरमेंट्स है। एंड 30A जो इसका साइड में प्लेस किया हुआ, ये अल्टरनेट शो कर रहा है, इट मीन्स जिसका आपका रहेगा वाई यानी डाया 12 mm, आपका 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, एक्स्ट्रा विद 375 mm। अब ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, थ्री नंबर ऑफ बार भी मैं आपको दिखाऊंगा टॉप के अंदर, इससे ऊपर वाली जो ड्राइंग है उसके अंदर है। एंड जो यहाँ पे वाई डायरेक्शन में शो कर रहा है 29 है, 29 क्या है अपना सेम वाई 16 150 सेंटर टू सेंटर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये 29 आपका नीचे गया है ज्वाइंट करने के लिए, एंड यहाँ पे आपका जो 30A है ये स्ट्रेट आ रहा है यहाँ से, ये 30A जा रहा है आपका, प्लस 29A भी आपका यहीं से जा रहा है। इसके बारे में आपको यहाँ देखिए बोल्ड में दिखा दिया है, एंड ये जो बोल्ड का वाई का आपका बार आया है ये स्ट्रेट यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पर ये एरो मार्क से शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगेन आपकी रिटेनिंग वॉल आ गई है, अगेन आप देख सकते हैं जो डॉटेड बार है इनके ऊपर अलग से आपको 29 30A 29 30A शो कर रहा है। तो 29 और 30A मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर है हमारे पास 29, अगर बोल्ड में देखिए यहाँ पे नीचे गया है 29, यहाँ से जाके नीचे लैप ले रहा है ताकि यहाँ पर जो आपका ज्वाइंट है वो अच्छा रहे। ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उसके अंदर आप देख सकते हैं 29 और 30 आपका वाई एक्सिस में, यानी अल्टरनेट एज टॉप का जो हमारा मैश है उसका एक्स डायरेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पेसिंग कम है, लेकिन जो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा बार्स दे रखे हैं, एक्स्ट्रा बार्स के अंदर आपकी स्पेसिंग कम है। तो एक्स्ट्रा बार्स के अंदर जो आपका एक्स डायरेक्शन के अंदर है, देखिए 30B 29C ये सब दे रखे हैं, 29C मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, 16 mm का स्टील है, सेकंड लेयर आ गई है हमारी यहाँ पे, एंड इसकी स्पेसिंग 75 mm अल्टरनेटली, यहाँ पे मैं अल्टरनेट लिख देता हूँ। अगेन 29A है यहाँ पे, ये C है, 29A भी सेम शो कर रहा है अल्टरनेटली। यहाँ पे जो आपका देखिए ये स्पेस बार दे रखा है बीच में, स्पेस बार डिफाइन करता है फर्स्ट और सेकंड लेयर को, एंड इसके यहाँ तक आपकी डिस्टेंस है, ये देखिए 30A वाई वाई डायरेक्शन में चल रहा है, और 30A इस साइड से जो यहाँ से आया वो यहाँ पर एंड करता है, और 30A फिर से स्टार्ट हो जाता है आपका फॉर योर एक्स्ट्रा। अब ये यहाँ पे देखिए यहाँ शो कर रखा है आपका, जो आपका 29 और 30A ये क्या कर चल रहे हैं, अल्टरनेट चल रहे हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे आप कहेंगे आप स्पेस बार नहीं दे रखा, तो जहाँ पे आपका स्पेस बार नहीं दे रखा उसका मतलब है आपके डायरेक्ट एक्स बार के नीचे ये बाइंड कर रखा है एक्स्ट्रा बार लेकर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 5.5 का ही अपवर्ड यहाँ पर जाएंगे हम, जहाँ पे सारी ये रिटेनिंग वॉल्स हैं।